नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो जो लोग अभी सक्सेस की 90s चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि सब तक ये वीडियो पहुँच सके। चलिए अब हम देख लेते हैं कि विज्ञान में आज हमने मुख्य क्वेश्चन कौन कौन से लिए हैं। नंबर एक आपका जो है यहाँ पर खोजकर्ता से, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो विलियम हर्शल के द्वारा यूरेनस की खोज की गई। दक्षिणी ध्रुव किसने खोजा, एमंडसन ने। होलियोसेंट्रिक सिद्धांत की खोज किसने की, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार जो है किसने किया, हेनरी कैवेंडिश ने। DNA फिंगरप्रिंटिंग की खोज से संबंधित हैं, एलेक्स जेफ्री। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया, विंट सर्फ ने। इंटरनेट आपका पूछा बहुत जाता है टॉपिक, थोड़ा सा याद रख लीजिए। इंटरनेट का आविष्कार विंट सर्फ ने किया। वैक्सीन का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। भारत के किस वैज्ञानिक ने पौधे की वृद्धि को मापने के लिए उपकरण की खोज की थी, जगदीश चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, किससे आधुनिक आनुवंशिकी का पिता समझा जाता है, ग्रेगर मेंडल को, इनका नाम ग्रेगर जॉन मेंडल भी कहते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, बेकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। मूत्रों का पीला, यहाँ पर मूत्र का पीला रंग होने का कारण है, यूरोक्रोम, यहाँ पर यूरोक्रोम होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसे कह लीजिएगा, यूरोक्रोम होगा और यहाँ पर मूत्र होगा। चलिए, कौन सी ग्रंथि बह और अंतः श्रावी दोनों हैं, अग्नाशय। पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की, लुई पाश्चर ने। पोलियो का टीका किसने विकसित किया, जॉन साल्क ने। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमने सारे टॉपिक से लिए हैं, देख लीजिए। निम्न में से किसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है, लैक्टोज को, ठीक है, लैक्टोज के कारण ही फल मीठे होते हैं। और यहाँ पर किसकी वेदन क्षमता सबसे उच्च होती है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वाई किरणों की खोज जो है वो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता उनमें होती है ना, आपने पढ़ा है एक्स वाई जेड, है ना, ये परावैगनी किरणें, है ना, ये सारे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है। तो वेदन क्षमता एक्स किरणों की सबसे ज़्यादा, वाई किरणों की सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है, लूनर कास्टिक के रूप में जाना जाता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक में उपयुक्त औषधियाँ मिलाना कहलाता है डोपिंग, ठीक है, डोपिंग कहलाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाता है तो फट जाता है क्योंकि वायुदाब कम हो जाता है। अगला देख लेते हैं, एक चमगादड़ द्वारा किस प्रकार की ध्वनि निर्मित होती है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि निर्मित होती है। हेडलाइट में कौन सी प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि हम दूर तक वस्तुएं देख सकें, ठीक है, क्या कौन सी गाड़ी आ रही है तब देखने के लिए हम हेडलाइट में अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। एक ध्वनि का तारत्व उसके पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। हैबर प्रक्रिया का उपयोग किसके उत्पादन किया जाता है ना, करके किसका उत्पादन करते हैं हम लोग, अमोनिया का, हम लोगों ने पढ़ा था अमोनिया से हमारा काफ़ी 20 प्रकार के हमारे अमोनिया अम्ल जो होते हैं वो बनते हैं, अमीनो अम्ल जिसे कहा जाता है,
और ये आपका सब प्रोटीन भी बनाता है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो हैबिट प्रक्रिया याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, थोड़े से और क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हमें लगा इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़िएगा जरूर एक बार। बुकर पुरस्कार साहित्य में दिया जाता है, व्यास सम्मान साहित्य में दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य में, सरस्वती सम्मान साहित्य, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य, बिहारी पुरस्कार साहित्य, ठीक। और यहाँ पर आस्कर अकादमी, ये देखिए यहाँ पर ये फिल्मों के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा और फिल्में के लिए होता है, और अर्जुन पुरस्कार खेल के लिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के खेल के लिए, ठीक है। तो ये सारे पुरस्कार आप लोगों ने भी देख लिए। तो हमने जितने भी इम्पोर्टेंट अलग अलग टॉपिक से प्रैक्टिस आपका करवा रहे हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक करके ही जाइएगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।